सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप सभी को धनंजय कुमार प्रियांशु ब्लॉग चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय माता रानी, जय छठी मैया। तो गाइस क्या बताए, सॉन्ग सुन रहे थे जस्ट अभी छठी माँ का, लेकिन थोड़ा सा पूछ करना पड़ा क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट लग जाता है। लेकिन क्या बताएगा, कॉपीराइट नहीं मार दानी यूट्यूब या फेसबुक। तो पूरा सॉन्ग का जो कॉपी सिनेमेटिक म्यूजिक के साथ जो है पूरा भी छठ पूजा का डालते, क्योंकि हमारी बिहार का महापर्व है छठ पूजा। तो पूरा सुनने में मजा आ रहा है। मॉर्निंग सोच सकते हैं 5 बज रहे मॉर्निंग के अभी जस्ट, ठीक ना, 5 बज चुके हैं। तो उस टाइम से मॉर्निंग स्टार्ट ही हो जाता है हम लोग का छठ पूजा का सॉन्ग सुनने का, यानी गीत सुनने का। बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह हमारे भोजपुरी सॉन्ग का मजा है डांस करने में, मन लगने में, उसी तरह हमारे छठ पूजा का सॉन्ग सुनने में भी उतना ही मजा आता है। ठीक है, दोनों का क्या बोला, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा हाई क्वालिटी है हम लोग के बिहारी लोग में। तो आप लोग जाके जरूर देखिए, सुनिए छठ माई का सॉन्ग। ठीक है, तो आराम से चलते हैं, फ्रेश व्रेश तो हो ही गए हैं, आराम से रेडी होते हैं, चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं टहलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, टहलना तो जरूरी है। रनिंग करने तो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, क्या बताए, कृष्णा भी थोड़ा सा नाराज हो गया है कि रनिंग करने नहीं जा रहे हैं, टहलने के लिए सिर्फ जा रहे हैं 1-2 दिन से। ठीक ना, तो कोशिश रहेगी, आप तो ऐसे ठंड का मौसम हो गया, क्या बताए, आप तो लगभग मानिए तो एक चद्दर का अभी मतलब एक छोटा सा क्या होता है कम्बल का ठंड है अभी। ठीक ना, छोटा सा पतला सा कम्बल का भी ठंड है, लेकिन तब भी हम लोग फैन चला के ही सोते हैं। तो लेकिन रात में ठंडा लगता है, फिर उसके बाद फैन बंद हो जाता है। ठीक ना, ऑटोमेटिक करना पड़ता है रात में बंद, नहीं तो पता चलता है कुरकुरा ठंड से कड़कड़ा एकदम, क्या बताए। तो चलिए आराम से आप लोग भी इंजॉय लेते रहिए न्यू ब्लॉग का, न्यू मस्ती वाली ब्लॉग का। इससे पहले तो दिवाली है सर पे, तो उसकी सब साफ सफाई होनी स्टार्ट होगी। तो अभी तक फ्रेश व्रेश तो हो गए, चलते पहले टहल वहल के आएंगे, फिर उसके आराम से नाश्ता वास्ता करेंगे। चाय तो अभी नहीं पिए जाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि चाय अभी पी नहीं सकते, क्योंकि दांत का थोड़ा सा भी हुआ है। ठीक ना, तो चलते हैं। आज हो सकता भी है कि बेगूसराय जाना पड़ जाए, क्योंकि आज शायद 2 दिन बाद डॉक्टर बुलाए हुए थे, तो चलेंगे। ठीक ना, आज बेगूसराय में कुछ हंगामा भी होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही चल गया होगा न्यूज में, MRGT कॉलेज बेगूसराय में थोड़ा सा कल पंगा हो गया है, यानी टीचर और स्टूडेंट को बीच में। तो उसी का कुछ धरना प्रदर्शन भी होगा, उसमें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है यार, तो चलना पड़ेगा। स्टूडेंट लोग का अगर साथ नहीं देंगे तो क्या देंगे साथ। तो चलेंगे, देखेंगे, जो होगा आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। ऐसे आप लोग को जो है छोटा सा क्लिप यहाँ पे आएगा, जो कॉलेज में जो हुआ है तो आप लोग देख लीजिए कॉलेज में क्या क्या हुआ है। थोड़ा सा बहुत ही टीचर लोग का दुर्व्यवहार हुआ है, एक तरह का गुंडा प्रदर्शन हुआ है। ऐसे MRGT कॉलेज जो एक प्राइवेट कॉलेज है, सेक्टर है, तो उसमें क्या है, सभी जो है एक तरह के मानिए तो क्या बोलते हैं गुंडे लोग ही रहते हैं उसमें। ठीक ना, दादागिरी करने वाले टीचर हैं सब, मतलब कोई भी एक प्रोफेसर जो होते हैं ना, क्या बताएं, हाई क्वालिटी के टीचर नहीं है। जैसे GT कॉलेज है, रहा है कोऑपरेटिव कॉलेज है अपने यहाँ बेगूसराय में, APSM कॉलेज बरौनियर, इस टाइप के सभी कॉलेज में नॉर्मल सब टीचर है, जो कि पढ़ाने आते हैं, आराम से अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा इस कॉलेज में, 2-3 कॉलेज में बस स्टूडेंट का पावर चलता है। ठीक ना, स्टूडेंट जो भी कहे टीचर को करना ही पड़ता है। लेकिन ये MRGT कॉलेज जो है प्राइवेट सेक्टर का है, इसमें टीचर लोग की मनमानी चलती है, इसलिए फ्रेंड लोग का थोड़ा सा इसमें काबू नहीं है, लेकिन काबू हो जाएगा, जो कि आज कल जो हुआ है, जैसे पंगा, यानी कल क्या हुआ था, Part 2 का एग्जाम चल रहा था, जिसमें 2-3 टीचर मतलब किसी कारण से हुआ होगा, हम लोग तो वहां थे, जो न्यूज में दिखा रहा है हम लोग को वही पता चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा पंगा हुआ है। 2-3 बच्चे छात्र छात्राएं दोनों ही घायल हुए हैं, साथ उनके पेरेंट्स भी जो वहां पे मौजूद थे, जो उन्हें बचाने गए थे, उन्हें भी घायल किया गया है। तो जो होगा आप लोग को थोड़ा सा छोटा सा क्लिप है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, तो चलेंगे, जैसा भी होगा आज आप लोगों को पता चल जाएगा आगे ब्लॉग में। ठीक ना, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आराम से घूम फिर के आते हैं। आएंगे तो पहले ब्लॉग को एडिट करेंगे, नहीं तो पता चलेगा क्या ब्लॉग आप लोग के लिए आज शेड्यूल में नहीं, बल्कि थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है ना, इसलिए आ जाएंगे तो पहले ब्लॉग को एडिट कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, जैसे मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। एक बार आप लोग स्माइल से एकदम अच्छे से कमेंट जो है आप लोग जय छठी मैया जरूर लिखिएगा, भर दीजिए कमेंट सेक्शन, भर जाना चाहिए, हैंग कर जाना चाहिए यूट्यूब। ओके, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे सारे दिमाग है, यहाँ पे चलते हैं के लिए। ओके, आप लोग रास्ते के साथ।
गाइस फाइनली बेगूसराय के लिए निकल चुके हैं, तो चलते हैं यहाँ से। सारे टीम मेंबर यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे निकलते हैं आराम से बस के साथ। आप लोग व्यू चेक कीजिएगा रास्तों का, क्योंकि लगभग यहाँ पे अभी 4 बाइक है 5-6 बाइक और आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारे श्याम सुंदर भैया हैं, अमित भैया हैं, नीतीश है, पीयूष है, सभी लोग आए हुए हैं। तो 3-4 और वेट चल रहा है, 3-4 बाइक और हैं साथ में। तो यहाँ पे कुल 4 बाइक है, 4 बाइक 8 बाइक ऑलमोस्ट रहेंगे। तो सब पे लगभग दो तीन है, तो सब थोड़ा सा 3-3 है, क्योंकि बाइक थोड़ा सा कम है इसलिए निकलना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आराम से चलते हैं, आप मिलते हैं आप लोगों से। भैया लोग यहीं पर हैं, भैया तो आज किस कारण जा रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा। बहुत दुख की बात है, हमारे जीडी कॉलेज के जो भी बच्चे थे उनका जो परीक्षा दे रहे थे उनके साथ बहुत निंदनीय तरीके से वहां के प्राचार्य के द्वारा, वहां के शिक्षकों के द्वारा मारा गया है, बहुत अमानवीय तरीके से मारा गया। उसके विरोध में हम सभी युवा साथी एकजुट होकर के एमआरजेडी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ, वहाँ के प्रोफेसर के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने और जिला प्रशासन से मांग करने जा रहे हैं कि अविलंब वहाँ के प्राचार्य और वहाँ के प्रोफेसर की गिरफ्तारी। तो आप लोगों ने जैसा सुना कि चल रहे हैं एमआरजेडी कॉलेज, क्योंकि कल एमआरजेडी कॉलेज में ही एग्ज़ाम था, जो कि जेडी कॉलेज के स्टूडेंट दे रहे थे, तो कुछ टीचर लोग के कारण दुर्व्यवहार किया गया, उसके कारण तो चल रहे हैं कुछ प्रदर्शन किया जाएगा चलते। और आप लोग सिनेमेटिक म्यूजिक साथ व्यूज आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है। जल्दी का मतलब ही नहीं है कि आप 1-2 दिन 4 दिन लगा दें, आज हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए। सो हे गाइस फाइनली कॉलेज के पास से तो आ गए, तो आए हुए थे जो बोले गिरफ्तारी होगा, कार्रवाई की जाएगी आगे। तो चलिए बुआ यहाँ आ गए आराम से, तो आप चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, उससे पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आराम से डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग के लिए तो ब्लॉग शेड्यूल में लगा हुआ है, ब्लॉग आज मॉर्निंग में एडिट कर ली, तब को पता था कि टाइम नहीं मिल पाएगा एडिट करने का, इसलिए मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट कर लिए हैं। तो आप लोग जाके देखिए, अगर अभी तक नहीं देखे हैं, टाइम में लिंक है, लोग जाके जरूर देख लीजिए, इसे तभी टाइम है
पब्लिक होने में, लेकिन जब तक ये ब्लॉग आया तब तक वो पब्लिक हो चुका रहेगा। ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिए, उससे पहले ये ब्लॉग जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। घर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारी नित्यारा ने क्या बताया, क्या कर रही है, नाक पे टोपी लगा रही है, टोपी लगा रही है, हाँ क्या हुआ बताओ, हाँ तो जल्दी जल्दी खा गए। तो फाइनली घर पे आ गए हैं आराम से, बाइक से मस्ती साथ, घर पर फ्रेश नहीं हुए, फ्रेश फ्रेश होते हैं, मिलते हैं आप लोग थोड़ी बाद, आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी दो दिन से पढ़ाई भी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो पढ़ते उड़ते हैं, 8 बज गया ऑलमोस्ट, ठीक ना, ऑलमोस्ट क्या, हाँ बजने ही वाला है। ठीक है, आराम से मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, आराम से खाने पीते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ओके, सो हे गाइस, फाइनली खाना पीना हो गया, नींद तो बहुत जोर की आ रही है, तो खाना पीना हो ही गया, तो चलते हैं सोने के लिए, बस मच्छरदानी लगा रहा है मृत्युंजय, तब तक हम दूध पीते हैं और मेडिसिन खाते हैं, ठीक ना। और हमारे प्यारे से बहना यहाँ पे कार्टून देख रही है, साथ में बड़ी मम्मी भी कार्टून देख रही है उसके साथ, तो चलिए आराम से जो है दूध दूध पीते हैं, सोते हैं तेजी से। ठीक है, अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय और गुड नाइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से प्यार भरे मोहब्बत ब्लॉगों के साथ। ओके,